2018 का एंट्रेंस टेस्ट बीएड का पंजाब में जो हुआ है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन, औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है किस पर, घर में, सोसाइटी में, स्कूल में, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। तो बड़ा आसान उत्तर है इसका, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि बाकी ऑप्शन भी कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। होम इनफॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन प्रोवाइड करने की, सोसाइटी भी इनफॉर्मल और स्कूल इज फॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल के कंसेप्ट ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो ओपन लर्निंग के अधीन आ जाती है तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। सो राइट आंसर हियर इज स्कूल फॉर्मल एजेंसी। थोड़ा सा जान लेते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल में फर्क क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले ये जो ब्लू कलर का ब्लॉक है इसे मैंने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ये तीनों ही मेन फॉर्मल एजेंसीज है ऑफ एजुकेशन। इसके बाद ये एक एज लिमिट है, आपको एक किसी एज लिमिट में एंट्री करनी होगी, फॉर एग्जांपल 6 ईयर से। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो नया स्ट्रक्चर दिया है एजुकेशन का, उसमें भी एज लिमिट जो फिक्स है, हम फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एंट्री कब होगी, 3 से 6 साल, 3 साल से बच्चे की अब स्कूल में एंट्री होगी, जिसको फाउंडेशनल एजुकेशन कहा जा रहा है। तो बच्चे के 3 साल इसमें गुजरेंगे, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका। ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इस पर भी एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो 2 साल है एज होगी 6 से 8। अब देखिए फाउंडेशन में टोटल कितने आ रहे हैं, 3 से 6 एक डिवीजन है, 6 से 8, इट मीन्स 3 से 8 साल तक जो क्लास कौन सी बनती है, प्री स्कूल से लेकर सेकेंड क्लास तक 8 साल तक बच्चा फाउंडेशनल कोर्स कर रहा है। उसके आगे वो शिफ्ट होता है नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3rd to 5th, एज क्या रहेगी 8 से 11 साल तक, इसे प्रेपरेटरी एजुकेशन कहा जाएगा। और नेक्स्ट इससे आगे 3 साल है जो क्लास 6th से 8th क्लास तक है, जिसको मिडिल एजुकेशन कहा गया है, और एज क्या है 11 से 14। हमारे जो आरटीई एक्ट है, जहां हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बच्चों को राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया हुआ है, वो 14 साल तक दिया गया है। ठीक, इससे ऊपर जो मर्ज कर दिया गया है अगे सेकेंडरी एजुकेशन में, पहले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, जहां सीनियर सेकेंडरी जो इसको प्लस टू बोलते थे तक डिफरेंस होता था, लेकिन अब सेकेंडरी के अंडर 9th से 12th क्लास शामिल कर ली गई है, और एज क्या है 14 से 18 तक। जो चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 में अमेंडमेंट हुई थी, उसमें भी कौन सी एज के बच्चों को शामिल किया गया है, 14 से 18 साल तक। तो अब ये स्कूल जो है 10+2 तक है, और एज क्या है 18 साल तक कर दी गई है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में एज की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो ये एज स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लगभग फिक्स रहती है, ये फॉर्मल सिस्टम है। जब किसी कारण कोई बच्चा ये एजुकेशन नहीं ले पाता, जहां वो थोड़ी एजुकेशन लेके, मान लीजिए स्कूल तक या कॉलेज तक एजुकेशन लेके जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट फिर पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी एजुकेशन को, लर्निंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ओपन एजुकेशन सिस्टम होता है। अब जॉब के साथ साथ, अपनी बाकी लाइफ के साथ साथ, आप ओपन लर्निंग भी कर, इसमें ओपन स्कूलिंग, ओपन यूनिवर्सिटी, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, डिस्टेंस एजुकेशन, ये मोड आ जाते हैं। अब ये जो पूरी तरह से फॉर्मल थी, ये हो गई नॉन फॉर्मल। ओके, जो ये फॉर्मल और नॉन फॉर्मल के अलावा आपकी बाकी लाइफ के एक्सपीरियंस है, डेली लाइफ है, आप रोज कन्वर्सेशन करते हो, अपनी मोटिवेशन से, अंदर की मोटिवेशन से कुछ आप YouTube पर सर्च करते हो, आप लाइफ को ऑब्जर्व करके सीखते हो,
कन्वर्सेशन में से सीखते हो, फैमिली में से सीखते हो, वो सारे एक्सपीरियंस जो आते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन का स्कोप सबसे वाइडर है, लेकिन जो डिफरेंस आपने देखने हैं, तीन चार मैंने सॉरी कुछ पॉइंट्स हैं जो लिस्ट किए हैं। रिजिड, सबसे ज्यादा रिजिड होगा फॉर्मल सिस्टम, और फ्लेक्सिबल होगा ओपन सिस्टम। और इनफॉर्मल में तो रिजिडिटी की कोई बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड है, सब कुछ आपने ही डिसाइड करना है। अच्छा, ये गोल इसके प्री डिटरमाइंड होते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, लेकिन इसके यहाँ पर होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। और इनफॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस आप लर्न करते हो, तो कोई गोल जो है आपके फिक्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं है, आप चेंज अपने अनुसार कभी भी कर सकते हो। करिकुलम प्री डिटरमाइंड है, सिलेबस प्री डिटरमाइंड है, हाँ ओपन में भी होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। एक्सपर्ट द्वारा ये एजुकेशन दी जाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन एक्सपर्ट द्वारा नहीं। इवन एक आप एनिमल से, बच्चे से, किसी भी से कुछ भी सीख सकते हो, ठीक। टाइम टेबल इसमें रिजिड होता है, फिक्स होता है, इसमें टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होता है। मैंने एक ही वर्ड आपको दे दिया है जो बार बार रिपीट करके आप ओपन जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को लर्न कर सकते हो। प्लेस फिक्स होता है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लेबोरेटरी में, प्लेग्राउंड में प्लेस फिक्स होता है कि यहाँ लर्निंग होगी। ओपन में इतना फिक्स नहीं होता, वो चेंजिंग हो सकता है, वेरिएशन हो सकती है, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, ये एजुकेशन लेनी कंपलसरी है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब 14 या 18 साल तक जितनी भी हर देश ने फिक्स की हुई है, तो वो लेनी कंपलसरी है। लेकिन ये वॉलंटरी है, अगर आप नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट लर्निंग लेना चाहते हो, करना चाहते हो, ज्वाइन जॉब के साथ साथ पढ़ना चाहते हो, आप कॉलेज की कोई हायर डिग्री, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, ये वॉलंटरी है, ठीक है। ये तो आपकी अपनी पर्सनल, टोटली पर्सनल हो गई। तो ये थे डिफरेंस जो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के हैं। आपको क्वेश्चन ज्यादा किस पर आएगा कि फॉर्मल एजेंसी कौन सी है, वो मेन है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये फॉर्मल एजेंसी है। इसके अलावा लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते हो, लाइब्रेरी फॉर्मल एजेंसी है। ओपन में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, डिस्टेंस कोर्स है, ओपन लर्निंग है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन स्कूलिंग है, ये शामिल है नॉन फॉर्मल में। और इनफॉर्मल में फैमिली या होम है, सोसाइटी या कम्युनिटी है, पीयर ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, स्टेट है। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एक्टिव में याद रखना है कि जो इंफॉर्मेशन देने वाला है और इंफॉर्मेशन लेने वाला है, लर्नर या टीचर, है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बोथ आर एक्टिव, ठीक। जो पैसिव है उसमें कलर चेंज कर लेते हैं, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला एक्टिव है लेकिन लर्नर एक्टिव नहीं है, ये है पैसिव। तो आप ये देख लीजिए कि स्कूल में टीचर और स्टूडेंट दोनों इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक्टिव एजेंसी है। रेडियो में नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप रेडियो से कंटिन्यूअस हर वक्त ऐसे बात नहीं कर सकते। टेलीविजन, तो कोई भी मीडिया या कोई और एग्जांपल दी जाती है, इसके बेस पर आप निश्चित कर सकते हो कि वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मीन टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, पैसिव मीन वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। अब ये देखिए कि यहां पर एक टर्म है जो आपके लिए समझने डिफिकल्ट है, दैट इज वाई आपको चले जाना चाहिए दूसरी भाषा में, सिद्धांत शिक्षण, इंडोक्ट्रिनाइजेशन। लेकिन यहां पर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हिंदी में भी सिद्धांत शिक्षण है। टीचिंग का आपको एक्सपीरियंस है, टीचिंग आप देखते हो कि स्कूल में टीचर है, स्टूडेंट है, ये जो आपका इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन ये भी आपसे करते हैं, कलर चेंज कर ले, ये भी आपसे करते हैं, ये भी आपसे करते हैं। और टीचर क्या है, सिर्फ नॉलेज देता है क्या, क्या उसके इंटरेस्ट को देखता है, क्या उनकी वैल्यूज को, कैरेक्टर को, इमोशंस को, है ना, फिजिकल आस्पेक्ट को, ये सभी चीजों को माइंड में रख के
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। ठीक, इसमें प्ले ग्राउंड शामिल है, आपकी इमोशनल स्किल डेवलपमेंट शामिल है, आपने सोशल इंटरेक्शन कैसे करना है टीचिंग में ये शामिल है, नॉलेज भी शामिल है। ठीक है, तो टीचिंग इज ए वाइडर कंसेप्ट। एंड दूसरी बात है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन में ये जो प्रोसेस है टू वे थी, ये रह गई वन वे। मतलब एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन लर्नर्स को कोई प्रोसेस समझा रहा है, कोई ऑर्डर समझा रहा है, कोई चीज ऑपरेट कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर क्लास में एक कंप्यूटर टीचर अपने बच्चों को ये समझाता है कि कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना है। वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले एक स्टेप बताता है कि पहले बच्चों ये फॉलो करना है, दूसरा फिर ये दिस स्टेप है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और आप भी कंप्यूटर को ऑपरेट करते करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक, एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन जो है कि लाइब्रेरी में कुछ इंफॉर्मेशन आपने कैसे सर्च करनी है, वो कहता है पहले आप कंप्यूटर पर जाइए, उस पर अपनी जो कीवर्ड्स फिल कीजिए, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, उसमें से आप चूज करोगे, चूज करके आप डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर नोट करोगे, फिर वो उस नंबर से आप बुक के नंबर को देख के अपनी बुक को सिलेक्शन करोगे। तो ये इंस्ट्रक्शन है, दिस इज मोस्टली वन वे प्रोसेस। एंड सिर्फ ये थिंकिंग पर है कि फंक्शनल थिंकिंग को ट्रांसमिट किया जा रहा है। यहाँ टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग को किया जाता था कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है कि आप कोई भी टीचर आइडिया प्रोवाइड करता है उसको चैलेंज कर सकते हो, उस पर डाउट क्रिएट कर सकते हो, उस पर डिबेट कर सकते हो, उस पर डिस्कशन कर सकते हो, उसके एविडेंस आप पूछ सकते हो, उस पर रिसर्च क्या हुई है, न्यू नॉलेज क्या है, मेरे एक्सपीरियंस उससे मैच नहीं करते, इतना कुछ पॉसिबल है टीचिंग में। लेकिन इंस्ट्रक्शन में एक प्रोसीजर समझाया गया है, वो वैसे ही आप फॉलो करते हो। ठीक, तीसरी बात आ गई कि इंडॉक्ट्रिनाइजेशन। इंडॉक्ट्रिनाइजेशन में डॉक्ट्रिनाइन क्या होता है, प्रिंसिपल्स मतलब आइडियाज जो है, आइडियाज गुड या बैड दोनों तरह के हो सकते हैं। अब इंडॉक्ट्रिनाइजेशन में फोर्सफुली ये एक एक्सपर्ट, एक पर्सन जिसका बिलीफ सिस्टम बहुत रिजिड है, वो लर्नर्स को वो आइडियाज ट्रांसमिट करता है, रेडीमेड फॉर्म में बने बनाए देता है, और उनको हर हालत में एक्सेप्ट करना होता है। मतलब यहां पर वो थिंकिंग नहीं कर सकते, क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते, उनको जो आइडियाज दिए गए हैं उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये पॉसिबल है कि ये टीच एजुकेशन का पार्ट होगा। रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में, एक फैमिली में, एक रिलीजियस प्लेस पर ये होता है कि आप रिलीजियस किसी लीडर पर या किसी बिलीफ पर कि ऐसा करने से आपको ये मिल जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, तो वो आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अगर वो आपको क्वेश्चन करना अलाउ नहीं करते और फॉलो करने के लिए भी कहते हैं तो वो इंडॉक्ट्रिनाइजेशन है। इट मींस मोस्टली ये प्रिजिडस बायस अनसाइंटिफिक प्रोसेस है। लाइफ स्किल सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की हुई है, जो 10 कोर लाइफ स्किल्स है, उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको स्कूल प्रमोट करता है। तो इंडॉक्ट्रिनाइजेशन में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं, उनको दबाया जाता है, उसको किल किया जाता है। तो इंडॉक्ट्रिनाइजेशन किसी भी तरह से एजुकेशन का पार्ट दिखाई नहीं दे रही। हाँ, यहां पर मैंने लिखा है कि कोई अच्छा आइडिया भी आप ट्रांसमिट कर सकते हो, जैसे मिलिट्री में है कि डिफेंस के लिए एक जो हेड है सोल्जर को निर्देश देता है कि ये आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, वहां वो उस कम्युनिटी के लिए, डिफेंस कम्युनिटी के लिए वो गुड आइडियाज हैं। मोस्टली इंडॉक्ट्रिनाइजेशन में आइडियाज जो हैं जनरली बायस्ड होते हैं और अनसाइंटिफिक होते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट जनरली इंक्लूडेड इन एजुकेशन।
हाँ, नया कंसेप्ट एक है कि दो तरह की इंडॉक्ट्रिनाइजेशन होती है, एक अथॉरिटेटिव होती है, दूसरी डेमोक्रेटिक होती है। अथॉरिटेटिव जो इंडॉक्ट्रिनाइजेशन है वो किसी भी तरह से आप एजुकेशन के कंसेप्ट में शामिल नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक इंडॉक्ट्रिनाइजेशन अगर वो थिंकिंग अलाउ करती है डिस्कशन, लेकिन अगर ऐसा होता है क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, डिबेट किसी आइडियाज पर दिया जाता है तो वो टीचिंग का पार्ट हो गई। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी है। तो हम इंडॉक्ट्रिनाइजेशन का पहला मीनिंग लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि इंडॉक्ट्रिनाइजेशन नेगेटिव एस्पेक्ट बन रहा है हम, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग को ये किल कर रहा है, दैट इज व्हाई शामिल नहीं होगी। अगर एक आंसर कट गया तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। इन दोनों में से टीचिंग इज बेटर वाइडर, दैट इज व्हाई हम टीचिंग को बेस्ट आंसर यहाँ पर लेके चलेंगे। नेक्स्ट है टीचिंग रिजल्ट्स इन, वैसे ये पिछले भी वीडियो में 2017 के क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कस हो चुका है। टीचिंग ये बात वेरी सिंपल है, आप यहाँ पर एक मिनट, हाँ टीचिंग का डायरेक्ट संबंध, जो टीचिंग की डेफिनेशन भी है वो लर्निंग से बन रही है, दूसरी तरफ एजुकेशन है, एजुकेशन का डायरेक्ट संबंध है आप ले सकते हो सेल्फ हाईएस्ट है रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो एजुकेशन अगर वर्ड है तो ये आएगा। देखिए ये मैस्लो की हायरार्की है, मैस्लो की हायरार्की की हाईएस्ट नीड क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डिफाइन करना है तो अपनी पोटेंशियलिटीज को, एबिलिटीज को एक्चुअलाइज करना, मतलब के जो आप में बनने की क्षमता थी वो बन जाना। आप एक्टर अच्छे बन सकते थे, आप ऐसी एजुकेशन ली, एक्सपीरियंस लिए, अच्छे एक्टर बन गए। आप अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते थे, आप बन गए। आप अच्छे टीचर बनना चाहते थे, आपके में पोटेंशियल थी, आप बन गए। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आगे भी है जो जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड, ये एम ऑफ एजुकेशन भी आप इसको बोल सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचा है कि ये एजुकेशन का है, यहाँ टीचिंग लिखा हुआ है, यहाँ टीचिंग लिखा हुआ है, एजुकेशन नहीं लिखा हुआ। दैट इज वाई ये एजुकेशन का पार्ट बन रहा है, ये भी एजुकेशन की डेफिनेशन में आ रहा है ना। एक्टिवेटिंग तो वेग आइडिया बन गया, तो डायरेक्ट जो आपका उत्तर है टीचिंग का लर्निंग के साथ ही बन रहा है। राइट आंसर हमारा है लर्निंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मास मीडिया। ये वेरी सिंपल, इसको अगर आप कॉमन सेंस से करना चाहते हो, मास मीन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओके। तो ये देखना है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल कौन कौन कवर करता है। क्या टेलीविजन करता है? यस, इन्होंने नॉट लिखा है, ठीक है, हमने नॉट वाला ढूंढना है। न्यूज़पेपर करता है, यस। रेडियो करता है, यस। बुक्स ये एक वक्त तक मास को कि इंडिविजुअल को, ये इंडिविजुअल को, ये वाला नॉट है। हमारा आंसर राइट क्या हुआ? बुक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ऑडियो विजुअल एजुकेशन इज इम्पार्टेड थ्रू विच मीडिया। अब हमारे पास मेन स्टेम के में मेन पार्ट क्या है? ऑडियो मीन सुनने वाला, विजुअल मीन देखने वाला। अब जो वीडियो है, मीडिया क्या है? विजन, यस ये है। रीडिंग, हाँ रीडिंग भी हूँ, ये मैं रीड कर रहा हूँ, इट मीन्स विजन है। यहाँ पर आईज लग रही है ना मेरी, तो विजुअल हो गया। रीडिंग यहाँ भी विजन हो गया। लर्निंग जो है वो मल्टी सेंस भी होता है, एक दो तीन चार पांच, पांचों ज्ञान इंद्रियां शामिल है उसमें, ठीक है। विजन एंड हियरिंग, यस ये मैच कर रहा है। विजन हो गया विजुअल से और हियरिंग हो गया ऑडिटरी से। रीडिंग फिर विजन आ गया, राइटिंग फिर विजन आ गया, और हमारा राइट आंसर ये बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीपेस्ट एंड बेस्ट एड फॉर टीचर। तो टेलीविजन में खर्चा है, यस yes. कितना खर्चा है आपको पता है, 20,000 का टेप रिकॉर्डर में, यस yes. इनको मेंटेन भी करना है, ठीक है। मॉडल्स
और जब आप बनाते हो तो बीएड में मॉडल बनाओगे उसमें टाइम भी लगता है, मनी भी लगती है, एनर्जी भी लगती है, तो इकोनॉमिक या चीपेस्ट नहीं हुआ। तो कौन सा हुआ राइट आंसर? ब्लैक बोर्ड हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है। ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, ये 2-3 लाख ये लाखों में आता होगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स में, चलो अब तो स्मार्ट स्कूल जहां अच्छे बोर्ड बन गए हैं, लेकिन कभी दीवार पर जस्ट पेंट कर लेते हो आप। दैट इज वाई द चीपेस्ट एंड बेस्ट भी कहा गया है। बेस्ट क्यों कहा गया है? कि इसको हर वक्त आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, लिख सकते हो, बच्चों से लिखवा सकते हो, बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हो बोर्ड पर। सो दैट इज वाई ब्लैक बोर्ड इज द बेस्ट आंसर इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? वैसे ये टीचिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन जनरल नॉलेज के भी आपने करने हैं, दैट इज वाई डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है कम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, और अगर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है इंडिया में विच इज फेडरल इन स्ट्रक्चर विद सर्टन यूनिटरी फीचर। ये दूसरा एक जीके का आपका क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि 26th डेट क्यों चूज की गई इसके लिए, तो वो ये है बिकॉज दिस वॉज अ डे इन 1930 व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। दैट इज वाई 26 जनवरी को डेट लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू ओपन ए स्कूल यू क्लोज ए प्रिजन। ये बात तो पहले उसमें डिस्कस हो चुकी है डिटेल में। यदि आप एक स्कूल खोलते हो तो आप जेल बंद कर देते हो। इट मीन्स के अगर आप एजुकेशन देते हो तो नेचुरली है कि क्राइम जो है कम होगा। क्यों? एजुकेशन में आप वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, एथिक्स को टीच करते हो, सोशल एजुकेशन टीच करते हो। दैट इज वाई जब वो इनकल्केशन वैल्यू की होगी, नेचुरली है क्राइम के ओपोजिट है वो, तो क्राइम कम होंगे। उसका एक सिंबल यूज किया गया है कि देखिए यहाँ दोनों ही सिंबल हैं, ये सिंबॉलिक है, ओपन ए स्कूल और दूसरा है प्रिजन। ठीक है, ये खुलेंगे ये बंद हो गए। इट मीन्स ये पॉजिटिव लर्निंग देंगे तो नेगेटिव लर्निंग जो है, दोनों ही लर्निंग है, पॉजिटिव लर्निंग देंगे तो नेगेटिव लर्निंग बंद हो जाएगी। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड द क्राइम, ये राइट आंसर है, पहले भी डिस्कस हो चुका है।